सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं लिए आपके लिए व्हाट्सएप के कमाल के ट्रिक लेकर आऊँ। शायद इस तरह की ट्रिक आपने कभी नहीं देखोगी। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर लिखना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, क्योंकि जो भी आप कमेंट लिखते हो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो ये भी ट्रिक काफी इंटरेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको इस ट्रिक को यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों पहले आप उस ट्रिक को देख लेना, फिर मैं आपको बताऊँ कि ये ट्रिक किस फोन पर काम करेगी, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक हर फोन पर काम नहीं करती। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आखिर वो कौन सी ट्रिक है जो कि आजकल काफी ट्रेंड पर है। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ओपन हुआ। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फ्लोवर। जैसे मैं फ्लोवर यहाँ पर टाइप करूंगा तो मुझे यहाँ पर अपना स्पेस बटन दबाना होगा, फिर यहाँ पर मैं पिकबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोवर काफ़ी फोटोज़ आ जाएंगे। जो फोटो मुझे अच्छे लगे डायरेक्टली मैं उस फोटो को यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। मुझे किसी भी फोटो को बाहर से डाउनलोड नहीं करना, सिंपली मैं अपने ही कीबोर्ड पर टाइप कर दूंगा जो भी मुझे चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर सर्च कर लूँगा, डायरेक्ट मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये फ्लावर सेंड हो चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं कुछ और टाइप करना, तो यहाँ पर चले मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ किसी भी एक्टर फ्लावर या कुछ भी नाम, जिसके यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं रणवीर कपूर, जो कि एक एक्टर है। तो चलिए मैं उनका यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। अब नाम टाइप करने के बाद मुझे स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करना होगा, फिर पिकबोर्ड पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर रणवीर कपूर की मेरे पास सभी पिक्चर आ जाएंगी। जो पिक्चर मुझे अच्छी लगे मैं उस पिक्चर को यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर रणवीर कपूर की सभी पिक्चर आ चुकी हैं। आपको किसी भी इमेज को कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना, सिंपल आपको इस ट्रिक का यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और टाइप करके दिखा देता हूँ कि यह वाकई ट्रिक सभी तरह के काम करती है या नहीं। तो यहाँ पर जिसकी मैं टाइप कर लेता हूँ लव, और फिर मैं अपने जो स्पेस बटन होता है उसमें लॉन्ग प्रेस करता हूँ, फिर पिकबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर लव के काफी इमेज आ चुके हैं। जिस भी इमेज को मैं चाहूँ मैं उस इमेज को सेंड कर सकता हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर मैं इस फोटो को लिया और यहाँ से मैंने इस फोटो को सेंड कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ कि आप इस ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हैं और आप अपने कीबोर्ड में इस तरह के फंक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ये सभी फोटो, तो इस तरह के फंक्शन को ऐड करने के लिए मुझे सिंपली एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए, वहाँ पर आप टाइप कीजिए पिकबोर्ड। तो ये वो ऐप है दोस्तों, ये ऐप सिर्फ और सिर्फ उस फोन पर काम करेगी जिस पर गूगल जीबोर्ड कीबोर्ड होगा। अगर आपके फोन पर नहीं है कीबोर्ड ये, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों बस आपको गूगल का जीबोर्ड डाउनलोड करना होगा, फिर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद इस ऐप को आपको ओपन करना होगा। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर लिखा है इनेबल पिकबोर्ड। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। बस आपको और सेटिंग नहीं करनी, सिंपल ये सेटिंग करनी है और आप अपने कीबोर्ड में कुछ इस तरह के फंक्शन ऐड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। दोस्तों फिर मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग।